जय हिंद। मैं आपको आज एक नया एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। किसी ने मेरे से पूछा कि आपको सबसे आसान काम क्या लगता है। मैंने कहा कि केवल धन कमाना। उसने हंसकर पूछा कि ये कैसे। तो बोला कि इसमें तो मेरे को कुछ करना नहीं होता, मेरा रोल तो केवल 10% रहता है और 10% के बाद जो 90% रोल रहता है वो दूसरों का होता है। तो उसने पूछा ये कैसे। तो मैंने एक मेरा एपिसोड उनको याद दिलाया। एक बार की बात है कि मेरा सामान, क्योंकि हमारा घर सामान एक जगह से दूसरी जगह लाने का काम है, और बेंगलोर से दिल्ली में सीआर पार्क में किसी का सामान आया और सामान खाली हो गया। हम हमेशा सब सामान खाली करते हैं तो उसकी सब चीज़ें खोलकर चलाकर दिखाते हैं, टीवी, फ्रिज, ऑडियो, वीडियो, वॉशिंग मशीन, इसी तरह हमने दिखा दिया। वो व्यक्ति 6 महीने के बाद हमारे पास आकर कहता है कि सर आपसे एक कंप्लेन करनी है। हमने कहा कि वो क्या। मेरा 6 महीने पहले सामान आया था और उसके अंदर टीवी भी था और वो टीवी मेरा आज काम नहीं कर रहा और मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये ट्रांजिट में इसके साथ कोई गड़बड़ी हुई है। हमारा एक व्यक्ति साथ बैठा हुआ था, उसने कहा कि 6 महीने का कंप्लेन और क्लेम हम कैसे ले सकते हैं। तुरंत मैंने उसको याद दिलाया कि ये कौन है सामने जो अपने आपसे कंप्लेन करने आया है। बोला जी ग्राहक है। ग्राहक कौन होता है। बोला हमको तो ग्राहक के बारे में बताया गया है भगवान होता है। क्या भगवान कभी झूठ बोलता है। बोला नहीं बोलता। तो ये झूठ थोड़ा ना बोल रहा है, ये जो बोल रहा है आपकी बात मान लो। और इसी तरह उसका कंप्लेन लॉन्च कर ली गई और कहा गया कि 3 हफ्ते के अंदर वेलकम बैक टू यू। और हमने एक कमेटी बनाई कि ये टीवी इनका ख़राब कैसे हुआ। उस कमेटी ने सबसे पहले जिस कंपनी का टीवी था उस कंपनी में गए कि एक टीवी ले जाने के लिए क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि एक टीवी को पैक करने के लिए कहीं हैमर, कहीं हथौड़ी, कहीं कोई चीज़ ये मत लगाओ, पानी में मत भिगाओ। और फिर हमारा टीवी जैसे पैक हो रहा था जिस जगह पर, वहाँ हम गए, वहाँ जाकर पता लगाया कि हमारे जो टीवी थे जिस तरह से जनरली पैक होते हैं, एक जैसे आम की पेटी पैक होती है ऐसे एक लकड़ी की पेटी बनाते थे, उसमें टीवी डालते थे और बाय डिफ़ॉल्ट उस पेटी को ठोकने के लिए हमारे 45-48 उस पर हैमर लगाने पड़ते थे और इस तरह का टीवी पैक होके आता था। सर्वे करने के बाद जब निर्णय पे पहुंची कि जो हम हैमर लगा रहे हैं, इस हैमर से टीवी के अंदर की जो सोल्डरिंग होती है उसमें हेयर लाइनर फ्रैक्चर आ जाता है और टीवी के अंदर कहीं ना कहीं चू चू की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है और एक हैमर से 1 महीने की टीवी की लाइफ कम होती है। इस तरह से 45-48 हैमर जब लगाते हैं तो संभवतः 4 साल की लाइफ कम हो जाती है। तो एक टीवी का शिफ्टिंग करने के बाद वो 4 साल की लाइफ कम कर देती है। मान लो गलती से 1 लाख रुपए का टीवी है तो एक शिफ्टिंग के बाद इट हैज़ बिकम 50,000। तो ये जब रिजल्ट निकल कर आया तो हमने देखा कि हमने कितने हजारों लाखों टीवी लोगों के शिफ्ट किए हैं और उसके बाद उनके ख़राब हो गए होंगे। कई लोग जो 6 महीने पहले हमारे से शिफ्ट किए थे, हम उनसे बातचीत करने के लिए एक व्यक्ति को लगाया। हमारे पास कुछ IIM के बच्चे उस टाइम पर इंटर्न के लिए आए हुए थे। मैंने कहा कि भाई इंक्वायरी करो कितने लोगों का टीवी ऐसा ख़राब हुआ होगा। आप विश्वास नहीं करोगे, more than 40% लोगों ने कहा कि मेरा टीवी ख़राब हो गया था, मैंने बेच दिया, मैंने सब ठीक करवा लिया, मैंने काम वाली बाई को दे दिया। तो ऐसा एक हमको ये सुनने को मिला। अब यह क्वेश्चन ये आता है कि उस ग्राहक के कंप्लेन के बाद ये सारी चीज़ें हमारे को मालूम हुई और एक कमेटी बनाई कि इसका इलाज क्या होगा। तो ढूंढने के बाद मिला, जैसे आर्केस्ट्रा का बॉक्स होता है ऐसा एक लकड़ी का बॉक्स बनाया गया जिसे अंदर थर्मोकोल लगाकर बढ़िया पैडिंग करी गई और उस LED टीवी को उस बॉक्स में डालने के बाद और हिंज लगे हुए थे और उसके एक आगे कुंडी लगी हुई थी। तो 1 सेकंड में बिना हैमर किए उसमें उसके साइज़ के डिफरेंट साइज़ के बना लिए और उसमें डालना शुरू कर दिया। तो इस तरह से वो टीवी के बॉक्स का निर्माण हुआ। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो हम लकड़ी की क्रेट बनाते थे उसकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 650-650 रुपये होती थी और ये बना हमारा 3,000 रुपये का, 3,000 रुपीज़ का। अब कॉस्ट में मैच कैसे करेगा। तो ये जो LED बॉक्स जो हमारा बना, हम उसको 20 टाइम यूज़ करना शुरू कर दिया, यानी कि इस कॉस्ट कितनी लग गई, 150 रुपीज़,
₹50 का हमने मार्जिन ले लिया, तो इट हैज़ बिकम ए 200 रुपीज़। तो 650 रुपये की चीज़ वो 200 रुपये में बनने लगी ग्राहक के लिए। जो 40 मिनट में पैक होता था एक करेट, इट हैज़ स्टार्टेड पैकिंग ओनली 40 सेकंड के अंदर। और पहले लकड़ी की करेटों को बनाने के लिए हमारे को कम से कम हज़ारों पेड़ कटवाने पड़ते थे। लकड़ी मोल आती तो पेड़ कहीं जगह कटते होंगे। अब ये LED बॉक्स जो बन गया, इसके कारण हमारे वो सारे पेड़ कटने बंद हो गए। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि मेरे को किसने ये प्रॉफिट सिखा दिया, मेरे उस ग्राहक ने सिखाया। वो यदि कंप्लेन लेकर नहीं आता तो मैं सीख नहीं पाता था। तो मेरा काम कितना था, केवल 10%, और बाकी का काम किसने किया, 90% मेरे ग्राहक ने किया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पैसा कमाना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। केवल आप अपना 10% रोल अदा करो, 90% रोल तो आपका ग्राहक अपने आप ही आपको सिखा देगा, और आपकी अपने आप ही आपका प्रॉफिट को कैसे बढ़िया बनाएगा वो अपने आप ही कर देगा। तो मेरा ये मानना है कि जब ग्राहक खुश तो हमारा अपने आप ही धंधा जहाँ चाहे वहाँ लेके जा सकते हैं। धन्यवाद।